ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैदा गांव में हुई बैंक डकैती कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने बैंक डकैती में संलिप्त चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बैंक डकैती मामले का उद्भेदन को लेकर कई टीम गठित किया था, जिसके तहत पुलिस ने 10 पुराने अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसके बाद एक अपराधी का बैंक डकैती में पुराने अपराधियों ने पहचान किया, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर चार अपराधियों को देसी पिस्टल, बाइक और लूट के पैसे के साथ बरामद किया। हालांकि पुलिस अभी भी मुख्य सरगना को गिरफ्तार नहीं कर पाया। एसपी ने बताया कि डकैती की इस वारदात में अपराधियों की एक नई टीम शामिल है जो जिले के बाहर के हैं। घटना को अंजाम देने के बाद यह आसानी से इस जिले से निकलकर दूसरे जिले में चले गए थे। लूट की संपूर्ण राशि बरामद करने में अभी भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदय गाँव में बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से 8 अपराधियों ने बैंक से 4,60,000 रुपए की लूट की थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया। और घटना के समय जो ये लोग कपड़ा पहने हुए थे, तो कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं और इसके अतिरिक्त 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इनके और भी सहकर्मी हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये जो गैंग था वो एक लोकल प्लस दूसरे डिस्ट्रिक्ट दोनों का मिक्सअप था। बक्सर ज़िले के भी कुछ लोग थे और रोहतास ज़िले से भी कुछ लोग थे। तो लगातार हमारी टीम के द्वारा मेहनत करते हुए इसमें इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। हालांकि शक के आधार पे लगभग 10 अपराधकर्मियों को, पूर्व अपराधकर्मियों को उठाया गया था और लगातार उसमें वेरिफिकेशन चल रहा था और उसके बाद अंततः ये उद्भेदन हो गया है। सर, इसमें क्या पूर्व अपराधी भी शामिल था? इनमें से एक जो है सुनील राजभर उर्फ दारा, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके अगेंस्ट इस मामले को लेके टोटल 5 केस दर्ज हुए हैं। जो अंतर जिला के हैं उनके ऊपर, उनकी भी आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। एक कैसा गेम है सर ये? कुछ नए लोग और कुछ पुराने लोग दोनों का मिक्सअप करके एक गैंग बनाया गया था और लोकल लेवल पर रेकी भी की गई थी, तो सारे मामले का पटाक्षेप हो गया है।